सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले वीवो के ई वारंटी कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने वीवो मोबाइल में देखा होगा ई वारंटी कार्ड क्या है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ई वारंटी कार्ड क्या है। और अगर आपने अभी तक इसे एक्टिवेट नहीं किया है तो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती अपने वीवो मोबाइल के साथ। अगर आपने अभी अपना परचेस किया नया मोबाइल वीवो का, चाहे वो Y12, Y15, Y17 या वीवो का कोई सा मोबाइल हो, अगर आपने अभी परचेस किया है और अगर आपने ई वारंटी कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि भी आपको भविष्य में फ्यूचर में आपको बहुत परेशानी आ सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ई वारंटी कार्ड है क्या और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको वीवो मोबाइल में आपको सेटिंग में जाना है। वीवो का ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, वीवो Y15। तो आपको जाना है नीचे मोर सेटिंग्स में। आप सोच रहे हो मोर सेटिंग में क्या था, वो दोस्तों यही इसी सेटिंग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मोर सेटिंग में जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे देख लीजिए, यहाँ पर ई वारंटी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो ई वारंटी कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी एक्टिवेट कर रखा है। तो मैंने इसमें देख लीजिए, आप लिखा है सक्सेसफुल्ली एक्टिवेट, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नीचे एक्टिवेट करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, एक्टिवेट करना हो जाएगा एक्टिवेट। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको फ़ायदा क्या रहेगा। इसमें आपको अगर मान लीजिए आपका बिल बॉक्स आपका अगर कहीं चला जाता है, गुम हो जाता है, फट जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि कहीं चला ख़राब हो गया, मान लो कुछ भी हो गया, फट गया है, तो उस हालत में आपको करना क्या, अगर आप सर्विस सेंटर पर ले जाते, अपना मोबाइल ख़राब हो जाता है आपका मोबाइल और आप सर्विस सेंटर पर ले जाओगे, तो वो आपसे मोबाइल में ई वारंटी कार्ड का बोलने को कहेगा कि आपके मोबाइल में ई वारंटी कार्ड है तो वो दिखाइए। तो अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो इसे अभी एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अगर आप नया मोबाइल लाते हो तो आपको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप इसे एक्टिवेट ज़रूर कर दीजिए। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना वीवो का Y15, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है, और आप भी इसे एक्टिवेट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्ट अस।